मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 100 दिन में अपने मध्य प्रदेश की सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा है कि उन्होंने इतने कम समय में मध्य प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ कर दिया है। 22 लाख किसानों को ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र दिए जा चुके हैं। शेष किसानों को आचार संहिता समाप्त होने के बाद ऋण माफी प्रमाण पत्र दिया जाएगा। हमारी सरकार ने 50 लाख किसानों के कर्ज माफी का लक्ष्य रखा है। बढ़ते उत्पादन के साथ साथ किसानों को कृषि उत्पादन पर बोनस दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राष्ट्रवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर हमला करते हुए आज कहा है कि देश को आजाद कराने में कांग्रेस ने सबसे अधिक संघर्ष किया है, लेकिन भाजपा नेता हमें ही राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ा रहे हैं, वे केवल बोलना जानते हैं। श्री कमलनाथ ने सीधी संसदीय क्षेत्र से देवसर में कांग्रेस प्रत्याशी अजय सिंह के पक्ष में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने राष्ट्रवाद का जिक्र करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से वे पूछना चाहते हैं कि वे बताएं कि क्या उनकी पार्टी का एक ही स्वतंत्रता सेनानी है। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाने वाली भाजपा नेता केवल बोलना जानते हैं। तो आज ये चुनौती है कि एक नए नजरिए से हम कृषि क्षेत्र को देखें, नई क्रांति लाए, तभी हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था में मजबूती आ सकती है। अगर हमारा कृषि क्षेत्र कमजोर रहा तो अपना प्रदेश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा और हम वचनबद्ध हैं कि एक नए नजरिए से, एक नए दृष्टिकोण से हम कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति लाएंगे। हम चाहते हैं कि किसानों के चेहरों में ये निराशा ना होए, किसानों के चेहरे में मुस्कुराहट होए, और मुस्कुराहट हम लाकर छोड़ेंगे। ये हम वचन देते हैं किसानों को। हमारे नौजवान, आज का भटकता हुआ नौजवान जो मध्य प्रदेश का, जो हमारे सीधी सिंगरौली का निर्माण करेगा भविष्य में, इसका क्या भविष्य है? कितनी बड़ी चुनौती है हमारे सामने ये नई पीढ़ी की, हमारे बुजुर्गों की दुनिया कुछ और थी, आज नौजवानों की दुनिया कुछ और है। बुजुर्गों ने तो अपना जीवन काट लिया, पर ये नौजवान जो इंटरनेट से जुड़ा है, जो विभिन्न प्रकार के टीवी चैनल देखता है, इसकी अपनी सोच है। आज के नौजवान में एक तड़प है। आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कोई कमीशन नहीं चाहता, वह तो अपने हाथों को काम चाहता है या व्यवसाय का मौका चाहता है। सिंगरौली से ग्राउंड रिपोर्टर उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट।